आज मैं आप सब लोगों के साथ में एक पैक शेयर करने वाली हूँ। ये पैक करवा चौथ स्पेशल फेस पैक, ये पैक को मैं काफ़ी 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस पैक के रिज़ल्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ में पैक शेयर करूँ। तो अगर आप बाहर जाने वाले हैं फेशियल और ब्लीच करवाने के लिए तो आप प्लीज़ मत जाइए, अपनी स्किन ख़राब करने के लिए बाहर फेशियल और ब्लीच के लिए मत जाइए। आप जितना आप अपने होम रेमेडी से अपने फेस पे फेस को ग्लो और शाइनिंग बना सकते हैं, आप उतना बाहर वाली चीज़ों से प्रोटेक्ट वाली चीज़ों से नहीं बना सकते। हाँ ये है कि वो 1-2 दिन तक आपके फेस को ग्लो और शाइनिंग बना देंगे, पर उसके बाद में जो आपके आपकी जो स्किन बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाती है पूरी तरह से, उसको फिर कोई भी नहीं बचा सकता। उसको फिर बहुत टाइम लग जाता है अपने फेस को उस उन सब चीज़ों से निकालने के लिए। तो आप ये पैक बना के अपने फेस पे लगाएं, तो आप ये फेस पैक अभी से यूज़ करें और देखें इसके रिजल्ट। तो आइए देखें हम कैसे बनाने वाले हैं पैक। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया है एक कॉफ़ी पाउच और इसमें मैं डाल दूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाती है और इससे हमारे फेस पे शाइनिंग आती है। और मैं इसमें डाल दूँगी कच्चा दूध, आप कच्चा ही दूध डालें इसमें। और अब मैं डालूंगी इसमें दही, मैंने 1 चम्मच दही डाल दिया है। और फिर डालेंगे हम बेसन, 1 चम्मच बेसन। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का तेल, 2 से 4 ड्रॉप। शहद, शहद हमारी स्किन पे हमारी स्किन को शाइनिंग देता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। शहद हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा काम करता है, शहद से हमारे फेस पे दाग धब्बे नहीं होते हैं और स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखो ये हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है, अब हम इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं अपने फेस पे ऐसे ही इसको अप्लाई कर लूँगी। अगर आप अपने फेस पे आपने कुछ लगाया हो तो अपना फेस वॉश कर ले, उसके बाद में इसको लगाएं। ताकि कि हमारा फेस ग्लो करता है, शाइनिंग करता है और हमारी नेक थोड़ी थोड़ी ब्लैक जैसी दिखती हो, तो हमें उसे मेकअप से ढकना पड़ता है। तो इसलिए ये पैक, कोई भी पैक अगर अपने फेस पे लगाएं तो उसको अपनी नेक पे भी लगाएं ताकि आपकी नेक और आपका फेस एक जैसा दिखे। हम इसको कुछ 20 मिनट तक रखेंगे, फिर उसके बाद में वॉश कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप खुद इसके रिज़ल्ट कितने अमेजिंग हैं, ये फेस को कितना ग्लो बना देता है एक ही पैक में। आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करें और देखें इसके रिज़ल्ट कितने अमेजिंग हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।